So here we are having the summary for The Lost Child, the chapter of class 9th from the book, I guess, Moments. So let's start. The Lost Child is the story of a small child who gets lost in a fair or an exhibition. He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets fascinated by looking at the roundabout swing. The story highlights the bond of love and affection that the child shares with his parents. Before losing them, he had been demanding different things like sweets, balloons, flowers, swings, etc. Once he loses them, he is picked up by a stranger. The stranger tries to silence the child by offering him all these things that he had demanded from his parents, but the child does not want them anymore. He wants his parents first. So what it means, it is a story, The Lost Child, जिसमें एक बच्चा होता है जो कि बहुत छोटा होता है वो और अपने फैमिली के साथ में फेयर में जाता है, मेला घूमने जाता है, और जिसको हम एग्जीबिशन भी कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगती हैं. तो वो जब मेला घूमने जाता है अपने पेरेंट्स के साथ में, तो वो अपने पेरेंट्स को वहाँ पर मतलब वो घूम जाता है. और क्या होता है कि वो बार बार किसी चीज़ से फैसिनेट होता है, फैसिनेट आकर्षित होता है. उसे कभी राउंड अबाउट घूमना होता है, कभी उसे चार्मर, स्नेक चार्मर के पास देखना होता है, कभी उसे गार्लेंड्स चाहिए होते हैं, मतलब फूलों की माला उसे कभी चाहिए होती है, कभी उसे बर्फ़ी खानी है तो कभी उसे बलून्स चाहिए. तो ये सारी चीज़ों से वो अट्रैक्ट होता है और वो बार बार अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो. बट वॉट हैपन्स इन द लास्ट कि उसको पेरेंट्स जो हैं, एज ऑब्वियस है कि उसे नहीं दिला पाते हैं किसी किसी कारण से. वो फिर कभी खुद भी ये सोचता है कि मैं पेरेंट्स से नहीं पूछता हूँ, ऑब्वियस सी बात है मुझे वो मना करेंगे. जैसे अगर मैं बलून्स का पूछूंगा तो वो बोलेंगे कि अब तुम बहुत बड़े हो गए हो बलून से खेलने के लिए. अगर मैं चार्मर का पूछूंगा तो वो बोलेंगे कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं होती है, चार्मर के पास नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, इस तरह से वो कहेंगे. और बहुत सारी चीज़ों के बारे में कभी कभी वो सोचता है और कभी वो बोल देता है, लेकिन उसके जो फादर होते हैं वो उसे गुस्से से मना करते हैं, लेकिन उसकी मम्मी उसे और नई चीज़ दिखाती हैं कि चलो ठीक है, तुम ये देखो, तुम ये देखो, ताकि उसको वो किसी और जगह पर उसका ध्यान ले जा सके. एंड आई थिंक सो वॉट हैपन, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल, दैट वॉट एवर यू वॉन्ट फर्स्ट, लेकिन जो आपके पास है आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हो जो आपके पास नहीं है और आप उससे अट्रैक्ट होते हो. लेकिन जब आपके पास जो चीज़ है, जब आपके पास जो चीज़ है वो आप भूल जाते हो कि वो आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब आप उससे दूर जाते हो तब आपको पता चलता है कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. बाकी सब चीज़ें कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में. वो भले आपको अब भी मिल रही हो, लेकिन आपको फिर भी वही कुछ चाहिए जो आपके पास पहले था. क्योंकि आपके पास वो रहता है तो आपको उसकी कद्र नहीं होती, हम ये कह सकते हैं. इट इज़ अ साइकोलॉजी ऑफ एनीवन. सो ये उसी स्टोरी के ऊपर है कि जो आपके पास होता है आप उसको पहले नहीं चाहते हो, कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, आप दूसरी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हो उसके साथ में. लेकिन जब आपके पास जो था वो चला जाता है तब आपको उसकी कीमत पता चलती है, और फिर आपको कुछ भी करके, बाकी सारी चीज़ें आप दाव पर लगा देते हो, आपको कुछ भी करके वो वही चीज़ चाहिए होती है जो आपके पास थी. तो बहुत लोगों ने ये सुना भी होगा, काफ़ी इसके ऊपर शायरियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन हम लोग चलते हैं. तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें यही बताया गया है कि वो स्वीट्स और इनसे फैसिनेट होता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो घूम जाता है और कोई उसे अजनबी जो है उठा लेता है और उसे वही सारी चीज़ ऑफ़र करता है, लेकिन उसे वो सब कुछ तब नहीं चाहिए होता है. उसे क्या चाहिए होता है, सिर्फ उसके पेरेंट्स सबसे पहले चाहिए होते हैं. सो द लॉस्ट चाइल्ड समरी. इट वॉज द सीज़न ऑफ स्प्रिंग, ये वसंत का महीना है. द पीपल ऑफ द विलेज केम आउट ऑफ देयर हाउसेस, लोग अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं जो कि किसी गाँव के हैं.
इन कलरफुल अटायर, कलरफुल अटायर मीन्स होता है कि बहुत ही अच्छे वस्त्र पहन करके वो बाहर आ रहे हैं, अच्छे मतलब बहुत ही कलरफुल रंग बिरंगे वस्त्रों में वो बाहर आ रहे हैं, एंड वॉक टुगेदर, वॉक टू टूवर्ड्स द फेयर। और किसकी तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ चल कर जा रहे हैं, फेयर की तरफ, मेला की तरफ। अ चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स वॉज गोइंग टू द फेयर एंड वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ में जा रहा है मेले की तरफ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ही ज़्यादा खुश है। ही वॉज़ अट्रैक्टेड टू द स्टॉल्स ऑफ टॉयज़ एंड स्वीट्स। वो सभी स्टॉल्स, स्टॉल्स जो होती हैं छोटी दुकानें जिनको हम कहते हैं, वो सभी खिलौनों की दुकानों की तरफ, वो सभी मिठाइयों की दुकानों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। थ्रू हिज़ फादर गॉट एंग्री बट हिज़ मदर पेसिफाइड हिम। उसके पापा जो हैं वो तो गुस्से में आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो मम्मी है वो उसे पैसिफाइड कर रही हैं एंड डाइवर्ट कर रही हैं। पैसिफाइड मतलब ऐसे प्यार से बोल रही हैं कि बेटा नहीं आप अभी, और उसका डाइवर्ट करिए, उसका अटेंशन डाइवर्ट करिए, उसको डाइवर्ट करिए, उसको कुछ और चीज़ दिखा रही है कि देखो देखो ये क्या है, देखो देखो ये क्या है, ताकि वो उस चीज़ से ज़िद छोड़ दे। द चाइल्ड मूव फॉरवर्ड बट वंस अगेन लेग्ड बिहाइंड बिकॉज हीज आइज वर कॉट बाय वन थिंग और द अदर एवरी नाउ एंड देन। बच्चा जो है वो भूल भी जा रहा है, बच्चा जो है उसकी मदर जब उसको डाइवर्ट करी तो वो भूल भी जा रहा है, लेकिन फिर उसकी किसी और चीज़ पर नज़र पड़ रही है और फिर वो अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो ऐसा उसके साथ बार बार हो रहा है। वो जो है पेरेंट्स की बात मान करके भी वो उस अट्रैक्शन से दूर हो रहा है, लेकिन वो फिर से कुछ चीज़ देख रहा है और फिर वो अट्रैक्ट हो रहा है। एज दे मूव्ड फॉरवर्ड द चाइल्ड वॉन्टेड द वेरियस थिंग्स ऑन द स्टॉल्स। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे को है ना बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें चाहिए हो रही हैं स्टॉल से, छोटी छोटी दुकानों से। हिज माउथ वाटरिंग सींग स्वीट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स। उसका जो मुँह है वो मुँह में पानी आ रहा है मिठाइयों को देख करके जो कि स्टॉल्स पर रखी हुई हैं, जिसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड जो है लीव्स लगे हुए हैं। ही वॉन्टेड हिज फेवरेट बर्फी। उसे अपनी फेवरेट बर्फी चाहिए, नोइंग दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़। उसको ये पता है कि मेरे पापा मम्मी जो है रिफ्यूज़, मना कर देंगे इस ग्राउंड पर कि तुम बहुत लालची हो। इस ग्राउंड पर मतलब इस बात पर वो मुझे मना कर देंगे कि तुम तो बहुत लालची हो। और वो आगे बढ़ जाता है, वो अपने पेरेंट्स से पूछता ही नहीं है। जैसे हम लोग पहले से परसेप्शन कर लेते हैं ना कि जैसे मैं अगर ये पूछूंगा तो उनका जवाब क्या आएगा, सो वो सोच करके ही वो आगे बढ़ जाता है। वो आगे बढ़ता है, देन ही सॉ ब्यूटिफुल गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर एक फूल होता है, उसकी वो बहुत ही सुंदर सी माला देखता है, बट वो फिर भी नहीं पूछता है। देन ही सॉ बलून्स, फिर वो बलून्स देखता है, पर उसको पता होता है कि पेरेंट्स को वो पूछेगा तो वो मना कर देंगे। किस बात पर मना करेंगे कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम क्या बलून से खेलोगे, तो वो आगे बढ़ जाता है। फिर वो स्नेक चार्मर देखता है और एक राउंड अबाउट स्विंग देखता है। स्नेक चार्मर जिसमें जो चार्मर है, जो जिसको हम कहते हैं हिंदी में सपेरा, सपेरा जो है वो कुछ बीन बनाता है और स्नेक बाहर आता है, तो स्नेक चार्मर देखता है, उसकी आवाज़ में वो इतना खो जाता है। और फिर वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है राउंड अबाउट, वो सोचता है स्नेक चार्मर के लिए भी, लेकिन वो पूछता नहीं है। फिर वो देखता है राउंड अबाउट, राउंड अबाउट एक झूला होता है जो कि बहुत बड़ा, एक आपने देखा होगा स्विंग टाइप मेले में होता है सबसे बड़ा गोल, उसको राउंड अबाउट स्विंग कहते हैं। और वो वहाँ पर रुक जाता है और सोचता है कि मैं अब तो परमिशन लेके ही रहूँगा, मुझे तो झूला झूलना है। लेकिन वो जैसे ही पूछता है कि आई वॉन्ट टू गो टू राउंड अबाउट, लेकिन वो अटोनिश्ड होता है, देयर वॉज नो रिप्लाई। वहाँ पर कोई उसको रिप्लाई नहीं मिलता है, कोई उसको जवाब नहीं मिलता है। नीदर हिज फादर नॉर हिज मदर वॉज देयर, क्योंकि उसके पापा, ना तो उसके पापा ना उसकी मम्मी वहाँ पर थी। नाउ द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट। अब बच्चे को समझ आता है कि वो घूम चुका है। ही रेन हियर एंड देयर, वो भागने लगता है यहाँ और वहाँ, पर उनको नहीं ढूंढ पाता। द प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड, जो जगह थी वो बहुत ज़्यादा लोगों से भरी हुई थी। ही गॉट टेरिफाइड, वो डर जाता है, पर सडनली एक बहुत ही दयालु दिल का व्यक्ति उसको उठा लेता है अपने गोद में और उसको कंसोल करता है। कंसोल मतलब उसको ट्राई करता है चुप करने का, मोटिवेट करता है।
और उसके बट वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, चाइल्ड जो है, बच्चा जो है वो बहुत बहुत जो है रो रहा होता है. ही आस्क्ड इफ़ ही वुड लाइक टू हैव जॉय राइड. बट और फिर क्या होता है कि वो जो व्यक्ति रहता है वो वही सारी चीज़ों से पूछता है कि तुम्हें ये राउंड अबाउट घूमना है, तुम्हें देखो देखो वो स्नेक चार्मर है, देखो वो गार्लेंड्स है, गुलमोहर की गार्लेंड्स, देखो ये तुम्हारे ऊपर कितनी अच्छी लग रही है, वो सारी चीज़ ट्राई करवाता है, देखो तुम्हें बर्फ़ी खानी है, देखो तुम्हें ये बलून्स चाहिए, देखो कितने कलरफुल हैं, ताकि वो चुप हो जाए उसको डाइवर्ट करने के लिए. लेकिन वो सिर्फ रोता रहता है कि नहीं मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए. बट चाइल्ड केप्ट सोबिंग, सोबिंग मतलब दोहराता रहता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. एंड दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय मुल्क राज आनंद. सो आई थिंक सो ये बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको इसे पढ़ करके. और ये इसका हिंदी में जो है अनुवाद है, आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आपके बच्चों को बता सकें. आई थिंक सो मैंने आपको इसके बारे में सारा कुछ बता दिया है. और अगर आप पूरा चैप्टर भी रीड करेंगे तो आपको सारी यही मेन मेन चीज़ें मिलेगी. कौन सा इसका जो सीरीज़ है वो मैंने बता दिया कि वो पहले स्वीट्स के लिए जाता है, फिर गार्लेंड्स के लिए जाता है, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ के लिए वो पूछता है, वो सब कुछ उसमें वैसा ही लिखा हुआ है जो कि इसमें है. तो आई थिंक सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट द समरी सो दैट विल बी ऑल्सो ओके. So thank you so much for watching this video, and if you are having any doubt for any other chapter, you can please comment me.